कानपुर टेस्ट में जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो सबको यही लगा कि रोहित शर्मा पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने सबको सरप्राइज कर दिया। सारे कमेंटेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट सब सरप्राइज थे कि रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग करने का फैसला क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉयल है, ये कोई चेन्नई की विकेट नहीं है जहाँ फास्ट बॉलर्स को काफी मदद थी, ना तो पिच पे कोई घास थी। लेकिन रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया वो काफी सोच समझ के लिया, और वो मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताता हूँ कि क्यों मैं रोहित शर्मा के डिसीजन से सहमत हूँ। पिच पे ब्लैक सॉयल थी, लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन ने बिल्कुल पिच को एक अपने तरीके से एनालाइज किया और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया। नाहिद राणा जो बांग्लादेश के फास्टेस्ट बॉलर हैं, जिन्हें पाकिस्तान में काफी सक्सेस भी मिली थी, उन्हें टीम से हटा दिया गया। और ताइजुल इस्लाम, आपको याद दिला दूं, ताइजुल इस्लाम वही स्पिनर है जिसने इंडिया को बांग्लादेश के टेस्ट मैच में पूरी तरह से फंसाया था, जहां अश्विन ने एंड में 40 नॉट आउट बना के इंडिया को मैच बचा दिया था। वही ताजुल इस्लाम इस बार खेल रहे थे, और जब ये फोर्थ इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे तो ये काफी डेंजरस हो सकते थे यहाँ पे। दूसरा सरप्राइज रोहित शर्मा ने तब किया जब उन्होंने बोला कि वो सेम टीम खिला रहे हैं। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पिच पे शायद जसप्रीत बुमराह को रेस्ट किया जाएगा, शायद कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर तीन फास्ट बॉलर्स भी खिलाए जाएंगे तो जसप्रीत बुमराह को इंडिया इस वक्त बहुत, आप कह सकते हो, रेयरली यूज करता है, एक कोहिनूर की तरह यूज करता है, सिर्फ उसी वक्त बाहर निकालता है जब बहुत जरूरत हो। और जसप्रीत बुमराह को बांग्लादेश के साथ होम टेस्ट मैचेस में दो मैचेस बैक टू बैक समझ के बाहर थी कि आखिर रोहित शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि रोहित शर्मा का थॉट प्रोसेस क्या होगा। अज्यूमिंग, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि रोहित शर्मा का ये मानना है कि भाई सबसे पहले मुझे 20 विकेट लेने हैं, बैटिंग में तो शायद हमें दो इनिंग्स खेलने की जरूरत ही ना पड़े, इसीलिए फोर्थ इनिंग्स में पिच टर्न होगी शायद रोहित शर्मा ये सोच ही नहीं रहे। पिछले मैच में उनके तीन बैट्समैन ने 100 बनाया था, एक ने 80 प्लस बनाया था, एक ने हाफ सेंचुरी बनाई थी। कुछ बैट्समैन जो रन नहीं बना पाए वो बड़े बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो उनको उम्मीद है कि अपनी तो तब ये रन बना ही देंगे। तो उनका मानना है कि हम बांग्लादेश को जल्दी आउट करें, फिर हम एक बहुत बड़ा स्कोर बनाए और फिर बांग्लादेश को आउट करें, क्योंकि इस मैच में पहले तीनों दिन बारिश की फोरकास्ट है और आज उसका नतीजा हमें दिखा, सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ। तो शायद रोहित शर्मा इस चीज को देखते हुए ये समझ रहे थे कि इस पिच पे फोर्थ इनिंग्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें पहले 20 विकेट लेने हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अगर 20 विकेट लेने हैं तो हमें रिस्क नहीं लेना, जसप्रीत बुमराह हमारा बेस्ट बॉलर है, लेट्स प्ले जसप्रीत बुमराह। स्टार्टिंग में जब मैच की पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स की बात करूं तो चेन्नई से भी ज्यादा स्विंग थी, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की पहले, मैं कहूंगा हाफ एन आवर, जब एक भी विकेट नहीं दिया। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का इनिशियल स्पेल मिड इन निकाल दिया, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिलने दी। और सिराज के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल, इनकंसिस्टेंसी की। जो सिराज पिछले मैच में ऐसा लग रहा था कि पुराने फॉर्म में वापस आ गया है, वो आज फिर से लग रहा था कि वो 2 महीने पहले का सिराज है, जो हर ओवर में एक लूज बॉल फेंक रहा है। और सिराज ने काफी रन लीक किए, लेकिन आकाशदीप ने आके मैच को बदला। थोड़ा सा ऐसा लगा कि आकाशदीप के आने से रोहित शर्मा को आराम लगी, क्योंकि रोहित शर्मा परेशान हो गए थे कि विकेट तो मिली नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया हो। लेकिन आकाशदीप ने पहले जाकिर हसन, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत रैश शॉट खेल के आउट हुए, क्योंकि ही हैड डन द डिफिकल्ट पार्ट। जसप्रीत बुमराह का इनिशियल स्पेल आपने निकाल लिया था, एंड अगर आप थोड़ी देर और टिक जाते तो रन फॉर देयर फॉर द टेकिंग, लेकिन आप फ्लैशी हो गए, आपको लगा कि 23-24 बॉल हो गए। और टेस्ट क्रिकेट में इट्स नॉट अ बिग डील, कई बार ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन 50-60 बॉलों तक 5-10 रन पे ही होता है, लेकिन बाद में ही गेट्स द अपॉर्चुनिटीज, जब बॉल थोड़ी ओल्ड हो जाए, थोड़ी फील्ड स्प्रेड हो जाए, आप सेट हो जाओ, आपको लूज बॉल्स मिलते हैं। मगर वो वेट नहीं कर पाए, और उसके 2 ओवर बाद ही आकाशदीप ने बताया कि भाई रिव्यूज के मामले में मैं सिराज नहीं हूँ कि बिना मतलब हर बॉल पे अपील करूं। उन्होंने कन्विंस किया रोहित शर्मा को और एक बेहतरीन रिव्यू के साथ एक विकेट लिया, लेकिन सिराज ने फिर इवेंचुअली एक रिव्यू वेस्ट करा ही दिया। एनीवेज वो तो वो रेगुलर चीज है। बाद में अश्विन आए, और अश्विन ने आके शांतो, कैप्टन जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया इनिंग्स खेली थी, उन्हें डिसमिस किया। आपको बता दूं कि इस बार बैटिंग लाइनअप ने चेंज किया, पुराने कैप्टन मोमिनुल हक जो नंबर 4 पे खेल रहे थे पिछले पाकिस्तान सीरीज और उसके पहले भी, वो नंबर 3 पे आए और शांतो ने अपने आप को नंबर 4 पे किया। नाउ अगेन दिस इज अ गुड, आई वुड से मैनेजमेंट की डिसीजन हो, कैप्टन की डिसीजन हो, गुड डिसीजन। कैप्टन असली यही होता है जो अपनी पोजीशन किसी ऐसे बैट्समैन को दे दे जिसे फॉर्म की जरूरत हो, ना कि बाबर आजम की तरह कि मैं तो ओपनिंग ये करूंगा। एनीवेज वो फायदेमंद रहा, और मोमिनुल हक अभी तक नॉट आउट हैं। इंडिया काफी डिसअपॉइंटेड होगी कि सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया,
3 विकेट हालांकि इंडिया ने ले लिए, और अब रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि अच्छा किया मैंने पहले बॉलिंग ले ली, क्योंकि अब 3 विकेट मिल गए हैं और अब मुझे पता है कि पिच से मैच से टाइम जा चुका है। अब शायद इंडिया जब बैटिंग करे तो ज्यादा इंटेंट से बैटिंग करे, और इंडिया उम्मीद कर रही होगी कि कल जितना भी मैच हो वो पहले बांग्लादेश को ऑल आउट कर दें और फिर बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा लीड लेकर चौथे पांचवें दिन बांग्लादेश पे प्रेशर डालें। पिच पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाएगी क्योंकि सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ है डे वन पे, उसमें भी बारिश के कारण पिच फ्रेश ही रहती है। तो अब मेरे ख्याल से जो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का डिसीजन बांग्लादेश ने लिया है वो कितना हेल्पफुल होगा ये कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल जितने भी दिन का खेल हुआ इंडिया वुड बी द हैप्पियर साइड विद द सिचुएशन, मगर डिसअपॉइंटेड कि और खेल नहीं हो पाया। अब देखना है कि कल कितना खेल हो पाता है, क्योंकि कल भी ऐसा ही फॉरकास्ट है और परसों भी पार्शियल रेन का फॉरकास्ट है, तो इस मैच में टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इंडिया के लिए हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए इंडिया जीत के लिए खेल रही है और इसीलिए जसप्रीत बुमराह को मौका दिया है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।